हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू प्रदीप गिरि एकेडमी मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में हमने मॉड्यूल फाइव ऑफ पार्टिकल स्टार्ट किया जिसमें हमने प्रेक्टेर ने मोशन ऑलरेडी कवर कर लिया है अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर है डिस्क्रिप्शन डेरिवेशन हो चुका है इसके पहले वाले लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा तो इट्स माई हम रिक्वेस्ट आप पहले वो देख लीजिए नेक्स्ट हम आज क्या देखने वाले दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन पर दो न्यूमेरिकल्स दो न्यूमेरिकल में से जो सबसे पहला न्यूमेरिकल वो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा न्यूमेरिकल कहता क्या है पहले वो जान लेते हैं ठीक है शटल कॉक हिट वेलोसिटी वी नॉट फ्रॉम पॉइंट ए ये क्रॉस कर रहा है टॉप ऑफ इट्स ट्रेजिक्ट्री अभी जो शटल कॉक है इसको यहां से फेंका गया इसने इस तरह ट्रेजिक्ट्री ट्रेस की है वॉट इज ट्रेजिक्ट्री दोस्तों ट्रेजिक्ट्री इज नथिंग बट द पार्थ ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन नॉट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड फेंकेंगे तो पैराबोलिक कर्व ये कवर अप करता है

जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा तो फटाफट हम डिस्प्लेसमेंट को मेंशन कर लेते हैं सबसे पहला हम लोग कंसिडर करेंगे कंसिडर प्रोजेक्टाइल मोशन कहां से कहां तक कंसिडर करेंगे दोस्तों ए से बी तक ठीक है तो सबसे पहले हम हॉरिजेंटल मोशन कंसिडर करेंगे हॉरिजेंटल मोशन कंसिडर करने के बाद आपको कुछ चीजें नोट डाउन करनी रहती है जैसे कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटीज़ हॉरिजेंटलिटी इनिशियलॉट यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी मैंशन किया गया कि आपको वीनॉट लेना है आपको वेलोसिटी नहीं पता है दोस्तों तो इसके लिए वीनॉट एंड दिस इज कॉस थर्टी क्यूथ कॉस थर्टी क्योंकि इसका हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेना होगा क्यू क्योंकि हॉरिजेंटल मोशन की बात हो रही है आई होप आपको समझ रहा हूं कि हम ऐसा क्यों करते हैं इसी तरह प्रोसीजर याद रख लीजिए दोस्तों कभी कोई डाउट डाउट आने की गुंजाइश ही नहीं होगी देन डिस्प्लेस फाइनल वेलोसिटी तो हमें ऑब्वियसली जीरो है तो हम कंसिडर नहीं करने जाएंगे टी टाइम कितना है टी टेन टी सेकेंड लिया है यहाँ पे आपको सेकेंड नहीं पता है टेन ट्वेंटी कितना टाइम ले रहा है वो आपको नहीं पता है डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हॉलिजेंटली दैट इज फोर मीटर देखो ना ए से लेकर बी बी तक ए यहाँ पे बी यहाँ पे कितना डिस्टेंस है हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट फोर मीटर सो so मैंशन इट ही है तो आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी एलोसिटी है और टाइम भी है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट वैल्यू आने से रही तो आप यूज कर लो ये वाला फॉर्मूला दैट इज हॉरिजेंटल के लिए हमेशा यही यूज करो वी नॉट कॉस थर्टी इक्वल टू फोर अपॉन टी एंड इसको इक्वेशन नंबर वन कह दो ठीक है दोस्तों अब सेकेंड पे जाए सेकेंड हमारा क्या है हॉरिजेंटल मोशन है क्या वर्टिकल मोशन की बात करेंगे दोस्तों वर्टिकल मोशन में क्या क्या होता है फटाफट उसको मेंशन कर लेते हैं इनिशियल एलोसिटी ऊपर वाला कम्पोनेंट वर्टिकल कम्पोनेंट वर्टिकल कंपोनेट इज ऑलवेज इन साइन हॉरिजेंटल कम्पोनेंट कॉस में होता है वर्टिकल कम्पोनेंट साइन में होता है तो जाएगा बी नॉट साइन हीटर क्या है आपका थर्टी डिग्री तो ये थर्टी डिग्री फाइनल जीरो स्क्वायर क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या लेना है यहाँ पे टाइम टाइम तो आपको पता है नहीं दैट इज टी सेकेंड टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट तो पूरा यहां से फेंका गया ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचा मतलब यहां से फेंका गया ऑब्जेक्ट यहां तक गया सिर्फ इतना आपको कंसिडर करना है दोस्तों यहां से फेंका ऑब्जेक्ट इधर तक गया है और पूरा कितना है दोस्तों पूरा एच है उसमें से आपको जीरो पॉइंट थ्री माइनस कर देना है क्यों क्योंकि सिर्फ आपको इतनी हाइट लेनी है आई होप आपको ये क्लियरली समझाओ लेट्स गो वंस अगेन टोटल हाइट इतना है बट ऑब्जेक्ट कहां से फेंका गया है 0.3 हाइट के ऊपर से यानी कि टोटल हाइट में से अगर मैं 0.3 पॉइंट माइनस कर दू तो मुझे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओके सो दिस इज द होल कंसेप्ट अबाउट फाइंडिंग द इनिशियल वैल्यूज तो आपने इस तरह इनिशियल वैल्यूज फाइंड आउट कर दी है दोस्तों अब हम क्या करेंगे टाइम निकालेंगे यहाँ पे भी एक है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना जब आपको एस डायरेक्टली नहीं दिया है एस का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया है तो आप कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करोगे टी का वैल्यू निकालने के लिए दैट इज क्योंकि इसमें से सा आपको सारी चीजें पता ही है ऑब्बियसली थोड़ी थोड़ी बस क्रॉस पुटिंग करके आ जाएगा फाइनल तो आपको नहीं पता इनिशियल इज वी नॉट साइन थर्टी ए इज माइनस नाइन पॉइंट एट वन टीज टी का टी वैसे ही रहेगा ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ये वाला t इसमें से t डिराइव कर सकते हो किस तरह t इक्वल टू फोर अपॉन वी नॉट कॉस थर्टी ठीक है और यहां इसको उठा के पुट कर दो t की जगह तो आपको एक वी नॉट में इक्वेशन मिल जाएगा तो पुट कर देते हैं पुट टीवल टू इन इक्वेशन टू इसको आप इक्वेशन टू नाम दे दो बेटर रहेगा ठीक है दोस्तों ओके सो यह पुट कर देते हैं जीरो इक्वल टू v not sin 30 minus 9.81 into t का वैल्यू क्या है फोर अपॉन v not cos 30 ओके okay? अब यहां पे जब आप इसको जैसे का तैसा कैल्सी में उठा के डालोगे आपको वैल्यू आ जाएगी दोस्तों बहुत सिंपल है ज्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं होती है सी लेट्स ओपन द कैल्सी तो क्या से आपके स्क्रीन के सामने ये रहा जैसे का तैसा इक्वेशन डालो दोस्तों ज़्यादा टेंशन नहीं जीरो अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू वेट जीरो अल्फा अल्फा एक्टिवेट होने के बाद इक्वल टू देन क्या है दोस्तों नॉट साइन मतलब अल्फा एक्स क्योंकि वी नॉट आपको निकालना है साइन थर्टी माइनस नाइन पॉइंट एट वन फोर यहाँ पे रेशियो में फोर अपॉन अल्फा एक्स कॉस थर्टी ठीक है जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों इसको शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू आंसर आ गया नाइन पॉइंट फाइव वन नाइन ठीक है दोस्तों तो आपको वी नॉट कितना मिल गया नाइन पॉइंट फाइव वन नाइन अभी आपको अभी आपको फर्स्ट दैट इज ये वाला पार्ट मिल चुका है क्वेश्चन का इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट देख लीजिए कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो तो दोस्तों आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल चुकी है जिसका मतलब क्या होता है कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ऑरिजेंटल वाली कितनी हो जाएगी नाइन पॉइंट फाइव वन नाइन मल्टीप्लेट में कॉस्ट थर्टी कॉस्ट थर्टी होता है जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स इसको जब आप कैलसी में कैलकुलेट करोगे एट पॉइंट टू फोर थ्री कितना आता है दोस्तों सो दिस इज द आंसर वैसे उस साइड का भी आप कैलकुलेट कर सकते इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल चुकी है बट क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी तक ही रहना है नहीं आपको दूसरा चीज कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द फेंस यानी कि आपको ये टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट का ये वाला एच मिल जाता है आपको पूरा हाइट मिल गया फेंस का है ना दोस्तों वही है बस अभी सिंपल सी चीज आपको क्या करनी है यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लेना है that is, S equal to, ये first part हो गया आपका ये आपका सेकेंड पार्ट हाफ t स्क्वायर बस इसमें पुट कर दीजिए एस क्या है आपका दोस्तों एच माइनस जीरो पॉइंट थ्री इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वी नॉट साइन 30, बट क्या v नॉट लिखोगे दोस्तों? नहीं, आपको v नॉट का भी वैल्यू पता है. That is 9.519. तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख सकते हो. 9.519 को मैं लिख देती हूँ 9.52. राउंड ऑफ कर देते. 19 को 2, 2 से 20 से राउंड ऑफ कर देते. Into sine 30 minus 9.81 डिवाइड by 2. हाफ 80 है ना दोस्तों? और ए पता है हमें माइनस नाइन पॉइंट एट वन है इसके लिए माइनस नाइन पॉइंट एट वन डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है दोस्तों आपका अब आप यहाँ पे आपको जैसे ही वी नॉट मिल गया आप टाइम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो है ना इजीली निकल जाएगा तो एक बार इधर टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप वी नॉट मिल चुका है इसमें पुट कर दो नाइन पॉइंट फाइव वन नाइन कॉस थर्टी इक्वल टू फोर बाई टी अब क्या करना है दोस्तों आपको बस जगह बदलनी है फोर को इस साइड टी को इस साइड भेज दो ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो डिवाइड करेगा और यहाँ पे टी यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा दोस्तों यहाँ पे रहेगा तो आप जब कैलकुलेट करोगे टी बाय नाइन पॉइंट फाइव टू इंटू कॉस थर्टी तो आपको टी मिल जाएगा कुछ जीरो पॉइंट फोर एट फाइव सेकेंड्स ठीक है तो आप यहाँ पे T लिख दो दैट इज जीरो पॉइंट फोर एट फाइव का स्क्वायर ओके T लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों वैल्यू को आगे सॉल्व कर सकते हो H निकालना है सिंपल आपको सारी वैल्यूज पता है यहाँ पे देखो आपको सारी वैल्यूज पता, पता है कि नहीं पता दोस्तों सारी वैल्यूज आपके स्क्रीन के सामने मैंशनड है एच माइनस

No. वहाँ पे आपको टाइम डालना क्या मिस्टेक है दोस्तों देखो. हम यहाँ पे टी का वैल्यू यहाँ पे तो टी का वैल्यू आएगा क्यों आपका फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों U इंटू टी ये आपका U हो गया इंटू ये जो आपने यहाँ पे टी निकाला वो भी तो डालना है आपको तो ये जाके एक टर्म बनता है क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है यू टी है ना तो इसके लिए आपका ये कैसे हो जाएगा एच माइनस जीरो पॉइंट थ्री विच इज इक्वल टू नाइन पॉइंट फाइव टू इंटू साइन थर्टी इंटू जीरो पॉइंट फोर एट फाइव माइनस हाफ ले लिखेंगे नाइन पॉइंट एट वन दस्ट मिनिट नाइन पॉइंट एट वन बाई टू

वैसा ही कुछ क्या मैं वर्टिकल में बना सकता हूँ तीनों को एक्वे, तीनों इक्वेशन को यूज करके या फिर वो तीनों इक्वेशन को यूज करके मैं किस तरह किसको किधर पुट करके वैल्यूज निकाल सकता हूँ ये जब आप प्रैक्टिस करोगे मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो तो आपको एकदम सॉर्टेड वे में आ जाएगा दोस्तों ठीक है तो ये वाला तो आपका हो गया सेकेंड पार्ट दैट इज हाइट ऑफ द फेंस अब आपको रेंज निकालना है अभी रेंज का फॉर्मूला तो आपने पहले पढ़ा है ना दोस्तों वट इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज अब दोस्तों रेंज का फॉर्मूला क्या था हमने पिछले लेक्चर में देखा था आर मैक्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर साइन अपॉन जी सिंपल आपको इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है नाइन पॉइंट फाइव वन नाइन बस यहाँ पे आप कैलसी ले लो दोस्तों फटाफट इसमें पुट कर दो कैलसी ये ठीक है अब यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है कैसे पुट करेंगे दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं वी स्क्वायर ऊपर फ्रैक्शन में है

दोस्तों तो एट मीटर तक का इसका मैक्सिमम रेंज है अब और एक तरीका है इसका रेंज निकालने का दैट इज आप प्रोजेक्टाइल कंसिडर करो जैसे हमने ये कैलकुलेट किया है जैसे हमने ये कैलकुलेट किया है आप ए से लेकर सी तक का प्रोजेक्टाइल कंसिडर करो हॉरिजेंटल मोशन की चीजें लिखो यहां पे आपका जो एस हो जाएगा एस क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पे आपका आर मैक्स हो जाएगा राइट एंड यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो उस हिसाब से वैल्यू की पुटिंग हो जाएगी देन आप यहां से फिर ये वाला कंसेप्ट यूज करिए यहाँ पे आपका जो एस हो जाएगा दैट इट विल बिकम जीरो बता रही हूँ दोस्तों रेंज निकालने के लिए ठीक है जब आप नेक्स्ट जो अनदर वे है अदर देन दिस फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन आप ए सी सी कंसिडर कर लोगे वर्टिकल मोशन ऑरिजेंटल मोशन यहाँ पे लिख दोगे किस तरह लिखना है आपको मैंने यहाँ पे वैल्यूज बता दी हैं दोस्तों Rmax, और यहाँ पे उधर कितना हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा v equal to ut plus square, है ना यहाँ पे आप ये वाला इक्वेशन चाहिए तो यूज कर सकते हो आपको टाइम मिल जाएगा जैसे ही आपको टाइम मिलेगा आप यहाँ पे पुट करोगे ना आपको मैक्स का वैल्यू आ जाएगा ये अनादर वे है एंड ये आपको करना है ठीक है दोस्तों प्रोजेक्टाइल कंसिडर करो एंड ए से सी तक का मुझे आर मैक्स निकाल के कमेंट सेक्शन में बताने हैं दोस्तों होमवर्क फॉर यू गाइस ओके आई होप आपको ये क्लियर है दिस इज योर थर्ड चीज जो आपने कैलकुलेट की है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट देन फट. हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा सम है ओके गाइस तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने ये रहा तो so, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं द बॉय थ्रोस अ बॉल सो हाई दैट इट मे क्लियर अ वॉल थ्री पॉइंट सिक्स मीटर हाई तो यहाँ पे एक बच्चे ने बॉल फेंका है वॉल के ऊपर से जा रहा है जो तीन सौ तीन पॉइंट सिक्स दशमलव छ मीटर हाई है द बॉल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर पॉइंट एट मीटर फ्रॉम द वॉल बॉल वॉज फाउंड टू हिट द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ थ्री पॉइंट सिक्स मीटर ऑन अदर साइड ऑफ द वॉल फाइनलिटी चलो एक बार डायग्राम का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं सबसे पहले जमीन ड्रॉ करते हैं अब यहाँ पे क्या बोला है अ बॉय थ्रोज अ बॉल तो आप लोग बोलोगे दीदी बॉय है तो बॉय का हाइट होगा तो वो यहां से बॉल फेंकेगा उसका हाइट बट एक बात बताओ क्वेश्चन में कुछ हाइट के बारे में दिया हुआ है जब नहीं दिया तो आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है दोस्तों अब डायरेक्ट इसको हाइट वाइट कंसिडर करने के बजाय आपको क्या करना है डायरेक्ट उसको कंसिडर करके ग्राउंड से कंसिडर करके सॉल्व करना है यानी कि आपका बॉल इस तरह फेंका गया और इसने ऐसे पाथ कंप्लीट किया ये इसको ए बोल देते इसको सी बोल देते हैं अभी यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे बीच में एक वॉल है जिसकी हाइट है थ्री पॉइंट सिक्स मीटर कितनी हाइट है दोस्तों वॉल की यहाँ पे एक वॉल है जिसकी हाइट है थ्री पॉइंट सिक्स मीटर ओके okay? नाउ तो तो बॉल का हमने पूरा कर दिया कि वो भाई ऐसे ट्रेवल करें नाउ बॉय अब बॉय कितने बॉल वॉज फाउंड टू हिट द ग्राउंड एट द थिकनेस ऑफ थ्री पॉइंट बॉल कहां हिट कर रहा है थ्री पॉइंट सिक्स मीटर ऑन द अदर साइड राइट दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि बॉल कहां हिट कर रहा है कहां पहुंच रहा है, है ना एंड दिस इज द टोटल कंडीशन तो ये मैं फेंस को बी बोल देती हूँ और यहाँ पे जो वेलोसिटी से बॉल जाएगी उसको मैं वी नॉट बोल देती हूँ तो यहाँ पे ये वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि आपको थीटा भी नहीं पता आपको ये एंगल भी नहीं पता राइट और ये वर्टिकल क्या हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा ओके आई होप ये आपको समझ में आया हो कि ये किस तरह ट्रेवल करेगा द होल कंसेप्ट तो इसको हम एक साइड कर देते हैं और पहले क्वेश्चन में जैसे हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन को कंसिडर करके सॉल्व किया था इसमें भी वैसे ही करना है बस थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है आई होप आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया हो एंड क्वेश्चन नोट डाउन करके रख दिया हो सो so, दिस इज द कंप्लीट देंस दोस्तों ठीक है अभी सबसे पहला स्टेप क्या कंसिडर करना है आपको दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर प्रोजेक्टाइल मोशन अब कहा से कहां तक कंसिडर करना है दोस्तों ए से बी सबसे पहले यही कंसिडर कर लो फिर इसमें भी दो पार्ट कंसिडर करना है एक हो जाएगा हॉरिजेंटल मोशन दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका वर्टिकल मोशन आपको जो यहाँ कंसिडर करना है ठीक है मोशन के चीज़, कौन कौन सी चीजें आपको पता है सॉरी नॉट थर्टी बिकॉज थीटा दिया हुआ ही नहीं है फाइनल वेलोसिटी तो जीरो रहेगी ऑब्वियसली डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है ये ए से बी तक ए से बी तक ये 4.8 मीटर मीटर तक ट्रैवल कर रहा है एंड टाइम कितना ले रहा है हम टी सेकेंड मान लेते हैं अभी हमें पता है जब हमारे पास ऐसा कॉम्प्लिकेशन आता है तो हम उसको कौन सा होरिजेंटल मोशन में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं v इक्वल टू एस बाई टी बी कितना है आप u इक्वल टू एस बाई टू बोलो या v इक्वल टू एस बाई टी बोलो v माने वेलोसिटी और वेलोसिटी कितनी दी गई है आपको v नॉट कॉज थीटा s इज 4.8 पॉइंट एट 30, 30 seconds, okay? अब पे आप इंटरचेंज चाहिए तो कर सकते हो बट आगे इक्वेश के हिसाब से हम इंटरचेंज करेंगे इनिशियल वेलॉसिटी हम जीरो ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है थ्री पॉइंट सिक्स मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकल वेलॉसिटी का बट मुझे एक बात बताओ यहां पर जो मोशन है वो वर्टिकल है, है ना वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपको एक्सीलरेशन क्या लेना होगा ले नेगेटिव रहता है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे दोस्तों उसको आगे सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली एस इक्वल टू सबसे पहला चीज आपको यहाँ यह वाला फॉर्मूला यूज करना है यूटी प्लस हाफ ए टी है अब यहां पे ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको वैल्यू की पुटिंग करनी है एस कितना है थ्री पॉइंट सिक्स यू कितना है वी नॉट साइन थीटा टी दोस्तों टी तो आपको पता ही नहीं है बट आपको टी कहां से मिल सकता है यहां से मिल सकता है है ना तो टी हो जाएगा फोर पॉइंट एट डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस थीटा कैसे यहां से मैंने टी निकाल लिया ओके okay, देन Minus, क्योंकि हाफ एटी यानी कि माइनस नाइन पॉइंट एट वन थीटा ओके सो दिस इज योर कंप्लीट इक्वेशन सॉर्ट ऑफ थिंग जो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों अब यहाँ पे आपके पास v नॉट भी अननोन है थीटा भी अननोन है अब हम करेंगे तो करेंगे क्या है ना तो यहाँ पे कुछ करना पॉसिबल नहीं है अब कट जो सकते वो है कि इक्वेशन को सॉर्ट आउट करके लिख देते दोस्तों हैम्पर नहीं होना है। जब भी, आप अटक जाओ ना घबराना नहीं है ये नॉट वी नॉट कट नहीं हो जाएगा दोस्तों और साइन बाय कॉस कितना होता है टैन होता है है ना ये दोनों कट एंड साइन बाय कॉज कितना हो जाएगा दोस्तों आपका टैन थीटा इंटू फोर पॉइंट एट माइनस नाइन पॉइंट एट वन बाई टू इंटू फोर बट इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों. क्यूं? यहाँ पे टी का स्क्वायर बोला गया है ओके फॉर्मूले के हिसाब से आपने सारी चीजों को मैंशन कर दिया है एक बार चेक कर लीजिए ये परफेक्ट हमने मेंशन कर दिया है तो आप इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दीजिए क्या बोलोगे आप दोस्तों इसको इक्वेशन नंबर ए आपका इक्वेशन नंबर ए हो गया ठीक है दोस्तों अब आप क्या करोगे प्रोजेक्टाइल मोशन लोगे लेकिन अब आप लोगे ए से पूरा सी तक फिर से सेम स्टेप करना है बट आपको कहां से कहां तक करना है दोस्तों ए से लेकर सी तक क्यों क्योंकि ताकि आपको यहां पर और एक इक्वेशन मिल जाए बड़ा सा जिसमें आपको कोई वैल्यू पताना हो सॉरी <laughs> सो दिस इज डन विद एडजस्टिंग फिर कंसिडर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए टू सी फिर से दो हॉरिजेंटल मोशन एच एम वर्टिकल मोशन ठीक है हॉरिजेंटल में सेम डेटा आ जाएगा यू इक्वल टू वि नॉट कॉज थीटा

And यहाँ पे आपको आ जाएगा विनोट कॉस्ट थीटा इक्वल टू एस कितना है दोस्तों आपका ये दोनों को जब आप एड करोगे तो आ जाएगा एट पॉइंट फोर डिवाइड बाई टी ठीक है अब यहाँ पे वर्टिकल मोशन लिख देते फटाख से यू इक्वल टू विनोट साइन थीटा टाइम टी सेकेंड लग रहा है एसलेन तो आप सभी को पता है नाइन पॉइंट एट वन डिसमेंट तो यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा दोस्तों बराबर बरा है कि नहीं बराबर है ना अब यहाँ पे आप क्या करोगे सेम डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आप फॉर्मूला यूज कर लो फटाक से ये वाला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू इज वी नॉट साइन थीटा टी कितना है दोस्तों आपका यहाँ से आप टी निकाल लोगे टी इक्वल टू 8.4 डिवाइड बाय वी नॉट कॉस थीटा बहुत आराम से जाइए बहुत धीरे धीरे आपको अपने आप क्वेश्चन ही बताता जाएगा क्या करते जाना है दोस्तों ठीक है एंड यहां पर एट पॉइंट फोर वी नॉट कॉस थीटा ये हो गया आपका यहाँ तक प्लस हाफ हाफ दोस्तों प्लस हाफ वापस लिखने से बेटर आपको तो पता है अभी हम क्या लिखते हैं माइनस नाइन पॉइंट एट वन बाई टू इंटू एट पॉइंट फोर बाय थीटा का स्क्वायर वी नॉट कॉस थीटा दोस्तों ठीक है दिस इज डन विद ऑल द थिंग्स अब यहाँ पे जैसे हमने विनोट विनोट कट करके साइन कॉस कट करके टैन लेकर वैसे यहाँ पर भी लेकर आ जाते हैं फटाक से तो ये हो जाएगा दोस्तों एस इक्वल टू विनोट विनोट कट साइन कॉस टैन टैन थीटा इंटू एट पॉइंट फोर माइनस ये 9.81 2 8.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट cos थीटा द होल स्क्वायर है ना दोस्तों यहाँ पे ये दोनों का अलग-अलग स्क्वायर लिख दिया मैंने अब यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास थीटा भी नहीं है आपके पास थीटा भी नहीं है वी नॉट भी नहीं है चलो वी नॉट मिल गया तो आप टाइम निकाल सकते हो बट ये दोनों निकालने के लिए हम सॉल्व कैसे करें यहाँ पे तो टैन थीटा है एक्स और वाई लीनियर इक्वेशन बनेगा किस तरह बनेगा एक बार उसको चेक करना होगा है ना दोस्तों तो आपको अभी दो टर्म आइडेंटिफाई करने तो आप कैसे करोगे दोस्तों बहुत इजी है सबसे तो पहली बात आप दोनों इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो यहाँ पर आपके पास टैन थीटा ये वाला पार्ट नोन है और यहाँ पे वी नॉट थीटा ये वाला पार्ट नोन है ना टैन थीटा और वी नॉट थीटा वाला पार्ट नोन है अब आप क्या करोगे मान लो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो आपका टैन थीटा का वैल्यू आएगा जो आपका वाई का वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू आएगा दोस्तों अब मैं इसको नॉट थीटा लेती हूं तो मुझे y को डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा इसलिए मैं क्या करूंगी इसको इसको हम करेंगे अपॉन अपॉन के फॉर्म में नॉट थीटा का होल स्क्वायर अपना y का वैल्यू रहेगा ठीक है दोस्तों हमें कुछ इस तरह इसको कंसिडर करना होगा यहाँ पे तो अब कैल्सी उठा लेते फटाफट ये रहा कैलसी लीनर इक्वेशन खोलते हैं मेन्यू सेटअप ए साइमल्टेनियस फंक्शन कितने अनोन है दोस्तों टू अनोन है फर्स्ट फर्स्ट में एक्स के साथ क्या है दोस्तों फोर पॉइंट एट तो यहां पे लिख दो फोर पॉइंट एट फिर आपके वाई के साथ वाई के साथ क्या क्या है नाइन पॉइंट एट वन है दोस्तों टू है और फोर पॉइंट एट का स्क्वायर है है ना क्या क्या है नाइन पॉइंट एट वन डिवाइड बाई टू एन टू फोर पॉइंट कितना था दोस्तों एक बार चेक कर लू

जो आपने y कंसिडर किया उसको छोड़ के बाकी सब लिख दो तो आपका अगर मैं इसको हाइड कर दूंगी तो क्या क्या बचता है 2, का का स्क्वायर स्क्वायर क्या क्या बचता है दोस्तों एंड इक्वेशन के इस साइड क्या है दोस्तों एस एस तो आपका ये वाला एस कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा है ना तो यहाँ पे जब आप जीरो पुट कर दो आपको वैल्यू क्या आ जाएगी चेक कर लो तो x का वैल्यू आ जाता है दोस्तों वन पॉइंट सेवन फाइव तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों एंड y का वैल्यू कितना आ गया ये कुछ नेगेटिव में आंसर आ रहा है राइट right? बट यहां पे आपको नेगेटिव नहीं कंसिडर करना है कि हो सकता है आपकी जो वेलोसिटी आपने कंसिडर किया वो इन ऑपोजिट डायरेक्शन में बस इतना सही फर्क होगा ज्यादा कुछ नहीं या तो हमने प्लस माइनस लेन में थोड़ी सी दिक्कत कर दी हो मी चेक वंस यस दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए जो यहाँ पे जो वैल्यू है बी नेगेटिव क्यों नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पर ये नेगेटिव है ना ये वाला साइन नेगेटिव है ना ये वाला साइन नेगेटिव, नेगेटिव है हमने पॉजिटिव डाल के रखा इसलिए रॉन्ग आंसर आ रहा था ओके okay, तो आपने सारी वैल्यूज okay, भी आपको वैल्यू गलत आई तो ना वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट रह सकता है बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि की तरफ फेंका गया तो ऑब्वियसली मेरा डायरेक्शन राइट ऊपर की तरफ कौन सा नीचे की तरफ मैंने कर रखा है। इसलिए फिर समझ जाना की आपको कहीं इक्वेशन में गड़बड़ हो रहा है ठीक है तो आपका ये जो इक्वेशन नंबर बी था उसमें नेगेटिव साइन है ए है उसमें भी नेगेटिव साइन है तो हमने नेगेटिव साइन डाला नेगेटिव साइन डालने के बाद जीरो पॉइंट जीरो फोर टू है ना दोस्तों तो ये आपको आ चुकी है ये दोनों अब आप क्या करोगे यहां पर सिंपल ये जो आपको थीटा का वैल्यू आया दोस्तों थीटा का वैल्यू है कि टेन थीटा का वैल्यू है पहले वो आइडेंटिफाई करो ऑब्वियसली टैन थीटा का वैल्यू है अब आपको यहाँ कौन सी वैल्यू चाहिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू अब कैसे निकालोगे थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स 1.75 कर दोगे राइट ये टैन यहाँ पे उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा तो यहाँ पे आप इनवर्स ले लो नॉर्मलाइज कर दो मेन्यू सेटअप सो अल्फा टैन इनवर्स शिफ्ट टैन इनवर्स नॉट अल्फा दोस्तों शिफ्ट अल्फा लेंगे तो एफ आ जाएगा तो आपको शिफ्ट टैन इनवर्स लेना है एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज वन पॉइंट सेवन फाइव तो ये आ जाता है 60.25 तो कितने एंगल से फेंका बच्चे ने बॉल 60.25 डिग्री एंगल से फेंका अभी आपको यहाँ पे थीटा मिल गया बस यहाँ पे पुट कर और वैल्यू निकाल लो ओके okay. बस यहाँ पे कैसे पुट करेंगे हमारा पॉन्ट v नॉट का स्क्वायर और कॉस थीटा थीटा कितना है 60.25 का स्क्वायर इक्वल टू 0.042 बस इसको जैसा है वैसे उठा के इक्वेशन में डाल दो आपको वैल्यू आ जाएगा दोस्तों ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं 1 अपॉन शिफ्ट नहीं एक्स अल्फा स्क्वायर इनटू cos 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 का है दोस्तों cos थीटा कितना है 60.25 का स्क्वायर अल्फा इक्वल टू इक्वल टू की उस साइड क्या था दोस्तों ये बच्चे कर लो 0.042 Shift, salt, equal to. तो आपको वैल्यू जो आ जाएगी आपकी नॉट की दैट इज नाइन पॉइंट एट थ्री तो कितना आ जाता है दोस्तों आपका मीटर पर ठीक है दोस्तों तो ये आपको वैल्यूज आ चुकी हैं की और आपकी नॉट की हो सकता है पॉइंट के बाद थोड़ा सा फर्क पड़े ठीक है बट चलता है पॉइंट के बाद जीरो प्लस माइनस फाइव इज फाइव पॉइंट के बाद सो so, ये न्यूमेरिकल यहीं पे खत्म हो जाता है क्योंकि आपको वैल्यू मिल चुकी है तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको ईजी लगा हो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं था सिंपल था कैसा था आपके सामने इक्वेशन क्वेश्चन था बच्चे ने बॉल फेंका आपने उसको उधर उस साइड फेंका देन उसका एक फेंस था उसके ऊपर से जाना चाहिए कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में देन कंडीशन के हिसाब से हमने सारे कंसेप्ट अप्लाई किए कंसेप्ट क्या कह रहा था दोस्तों कि जब आप बॉल फेंकते हो तो कितना डिस्टेंस के ऊपर से जा रहा है थ्री पॉइंट सिक्स मीटर के डिस्टेंस के ऊपर से जा रहा है एंड इस साइड का डिस्टेंस उस साइड का डिस्टेंस दिया गया था देन आपने क्या किया सबसे पहले ए से बी का प्रोजेक्टाइल कंसिडर करके एक इक्वेशन बना लिया क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे अननोन थे दोस्तों तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो इक्वेशन तो लगने ही वाले थे ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन राइट तो यहाँ पे याँ आपने इक्वेशन बना लिए थे दोनों इक्वेशन हमें किससे मिले एक प्रोजेक्टाइल इससे मिला एंड ए से मिला तो आपने ये कैलकुलेट करने के बाद

और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग क्वेश्चन सॉल्व करो जितना हो सकता है इसको चार पांच बार प्रैक्टिस करो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों टिल देन गुड बाय टेक केयर कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग